और ग्राम पंचायत के सरपंच कुमारी सरोज पटेल, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को अपनी ग्राम पंचायत की ओर से अपनी ग्राम पंचायत में पधारने का भाव भरा निमंत्रण देती हूँ। हमारे सीएम राजस्थान के माननीय राजीव जी, जिन्होंने भी हमको आरक्षण दिया 50% महिलाओं को और 8वीं तक की पढ़ाई अनिवार्य लागू की, जिनकी बदौलत मुझे भी सरपंच बनने का मौका मिला। और जो ग्रामीण विकास कार्य है उनसे जुड़ने का मुझे अवसर मिला, जिसके अंदर मैंने, मेरे पिताजी ने, हम लोगों ने पूरी जान लगा दी है। और जो मैंने जैसे कार्य किए है, मेरी ग्राम पंचायत ODF है, हमने जैसे हमारे वहाँ पर पानी की थोड़ी सी किल्लत रहती है, तो वहाँ पर एक पहाड़ी इलाका है हमारे उधर, तो मैंने वहाँ पर एनिकल बनवाए हैं और जो गांव का पानी है तो वो गांव में ही एकत्रित करने की, क्योंकि वो बह नहीं जाए बाहर गांव से, तो उनको उसको एकत्रित करने का प्रयास किया है। अब उतनी किल्लत नहीं रही और वहाँ पर अनार की आज अच्छी खेती हो रही है मेरे गाँव में। और इसके अलावा मैंने अपने गांव के हर खेत को, हर घर को मैंने सड़क से जोड़ दिया है, जिसके लिए कि मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जमीन से जुड़ा जो मामला होता है, जो समझाइश करके, जो मुझे जो समझाइश करनी पड़ी, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगी। लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा निर्माण जो है वो ग्रेवल सड़कों का किया है। इसके अलावा शिक्षा को लेकर के मैं खुद MSc बॉटनी हूँ और मैं 12th तक की सारी क्लासेज ले लेती हूँ अपने गाँव की, तो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं कभी भी फ्री नहीं बैठती हूँ, पढ़ाने जाती हूँ बच्चों को। इसके अलावा जो बच्चियाँ जो कि जिन्होंने TC ले ली थी, है ना, तो उनका भी मैंने फिर से उनको प्रोत्साहित करके सबका कि 12th तक तो आपको पढ़ना ही है किसी भी कीमत पर। इसके अलावा मेरे गांव में जो BSc है, तो हमारे वहाँ पर शहर थोड़ा सा दूर है इलाज के लिए, तो मैंने ग्राम सभा की बैठक ली थी, जिसके अंदर जो भामाशाह है, जो बिजनेस करने हमारे वहाँ के काफ़ी लोग बाहर जाते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करके उन सबको बुलाया था मैंने और 30 लाख का डोनेशन अपने हॉस्पिटल में दिलवाया, जिससे जो भी आधुनिक जो भी मशीनरी थी वो सारी मेरे गाँव में आ पाई। और आज मतलब कॉम्प्लिकेटेड केसेज भी मेरे अपने गांव में सॉल्व हो जाते हैं और आसपास के जो ग्रामीण हैं दूसरे गांव से भी मेरे गांव में आते हैं। आप लोग मेरे किडनोर में पधारेंगे तो वहां पर ब्रह्मधाम आसूत्रा है, वहां का प्रसिद्ध है। इसके अलावा वहां का जैन मंदिर नाकोड़ा जी तीर्थ स्थान बहुत फेमस है। मेरे अपने गाँव में बागालेश्वर महादेव है, वहाँ पर मैंने एक पिकनिक स्पॉट टाइप से बनवाया है, बारिश के मौसम में वहाँ पर झरने बहते, बहुत खूबसूरत आपको माहौल मिलेगा। आप सभी पधारेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं धन्यवाद देती हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का और महावीर जी टोडी जी का कि मुझे इस राष्ट्रीय मंच से आप सभी भाइयों और बहनों से रूबरू होने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।